गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। आपको कहानी पसंद है? हाँ, तो आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और कहानी से बाद में आपको कुछ सीखना भी है कि उससे क्या सीख मिलती है, ठीक है? तो आज की जो आपकी कहानी है वो दो बिल्लियों की कहानी है, या उस कहानी का शीर्षक हम कह सकते हैं बंदर बांट। क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो अब कहानी में जैसे हमने आपको बताया क्या है, दो बिल्लियों की कहानी है, तो कोई बताएगा बिल्ली कैसे बोलती है? अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं। हाँ, तो दो बिल्लियां थी, वो जा रही थी, रास्ते में उनको क्या है, एक रोटी पड़ी हुई मिलती है। रोटी कैसी होती है, कैसी दिखती है रोटी? गोल। तो वो बिल्लियां क्या होती हैं, वो रोटी देखकर उस पर लपक जाती हैं, गिर जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे ये रोटी मैं खाऊंगी, ये रोटी मैं खाऊंगी। तो जो दोनों बिल्लियां रहती हैं वो आपस में लड़ने लगती हैं। वो सोचती हैं, एक बिल्ली सोचती है कि मैं पूरी रोटी खा जाऊं और एक सोचती है कि मैं पूरी खा जाऊं, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि आपस में लड़ते लड़ते बहुत देर हो जाती है और उनको कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता है कि हम क्या करें। तो वो देखते हैं दूर से एक बंदर आ रहा होता है। कौन आ रहा होता है? बंदर। तो बंदर देखता है कि अरे इन बिल्लियों के पास तो रोटी है। वो सोचता है क्यों ना जाकर मैं इनका झगड़ा निपटाऊं और रोटी खाने को मुझे मिल जाए, ठीक है? तो वो क्या करता है, बंदर और बिल्लियों के पास जाता है और वो पूछता है उनसे कि क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो? तो वो अपनी पूरी कहानी बताती हैं कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, हमें रोटी मिली और हमको ये रोटी खानी है, लेकिन हम ये कैसे खाएं, कैसे इसका बंटवारा करें। तो बंदर कहता है रुक जाओ, मैं इसका रोटी का क्या करूँगा, बंटवारा करूँगा। तो बंदर क्या करता है, रोटी के दो टुकड़े कर देता है। क्या करता है? ठीक है, अब जब वो दो टुकड़े कर देता है और बिल्लियों के सामने रखता है तो बिल्लियां दोनों टुकड़े देखने लगती हैं। लेकिन इतने में ही बंदर बोलता है कि अरे रुक जाओ, लगता है इसमें से एक टुकड़ा बड़ा है और एक टुकड़ा छोटा है। तो वो क्या करता है कि उसको जो टुकड़ा बड़ा दिखता है उसमें से वो रोटी खा लेता है। क्या करता है? फिर वो सामने वापस से दोनों रोटियां रखता है। अब वो क्या करता है, अरे बोले अब तो लगता है इसमें से जो खाया है वो छोटी हो गई है और वो जो है एक और वो बड़ी हो गई है। तो वो क्या करता है, दूसरे हिस्से में से भी क्या करता है, रोटी खा लेता है। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते वापस से वो फिर रखता है सामने, फिर उसको एक छोटी दिखती है, एक बड़ी दिखती है, फिर एक में से खाता है, फिर एक में से खाता है। तो अंत में क्या होता है, रोटी खत्म हो जाती है। क्या होता है? रोटी खत्म हो जाती है। पूरी रोटी कौन खा गया? हाँ, तो धीरे धीरे करके पूरी रोटी कौन खा जाता है? बंदर। और बिल्लियों के पास कुछ नहीं रहता है, ठीक है? तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है कि अगर आपकी आपस में लड़ाई हो रही है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो आप उसको आपस में सुलझा लीजिए। अगर कोई तीसरा आएगा तो बंदर की तरह क्या करेगा, वो आपकी चीज ले जाएगा, होगा कि नहीं? इसी को क्या कहेंगे, बंदर बांट। क्या कहेंगे? बंदर ने बांटना शुरू किया था कि नहीं, तो उसने क्या कर दिया कि खुद ही पूरी रोटी खा गया और बिल्लियां दोनों भूखी रह गईं। मजा आया कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है।